आज हम गूगल और जीमेल के बारे में थोड़ा और जानेंगे। अब आपको लग रहा होगा कि क्या और जानेंगे, गूगल पे हम सर्च करते हैं और जीमेल को हम मेल के लिए, ईमेल्स के लिए यूज करते हैं। लेकिन और भी बहुत कुछ है जो आपको शायद नहीं पता हो। जब भी हम गूगल यूज करते हैं या जीमेल यूज करते हैं, उस और हमारी जो भी एक्टिविटी है, गूगल उस सबको स्टोर करता है। और उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करके गूगल को क्या बेनिफिट है, क्या करता है, क्या क्या इंफॉर्मेशन वो स्टोर करता है, ये और हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं गूगल ने हमारे बारे में क्या क्या स्टोर किया, आज हम यही सब जानेंगे। और हम लाइव भी देखेंगे कि हम कहाँ पे जाकर जीमेल की किस सेटिंग्स को अगर हम चूज करें तो हमें एप्रोप्रिएट परमिशंस हम दे सकते हैं, या हम यह देख सकते हैं कि गूगल ने हमारे बारे में क्या क्या स्टोर किया है। जैसे ही हम कोई अपना नया फोन लेते हैं तो सबसे पहले हम जीमेल ही कॉन्फिगर करते हैं। अगर हमने लिया है एंड्रॉयड का फोन, मेक चाहे कोई भी हो, एंड्रॉयड में गूगल की बहुत सारी प्री इंस्टॉल्ड एप्स आती हैं, जैसे गूगल मैप्स प्री इंस्टॉल्ड आता है और गूगल फोटोज का जो ऑप्शन है वो प्री इंस्टॉल्ड है। इस तरह से गूगल की बहुत सारी एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल्ड आती हैं। अब जैसे ही हमने उसमें अपना जीमेल कॉन्फिगर किया तो अननोइंगली हम बहुत सारी परमिशंस उन दूसरे एप्स को भी दे देती हैं। अब होगा क्या, आपने गूगल मैप को कभी नहीं कहा कि वो आपकी लोकेशन एक्सेस करे, लेकिन अगर आप उसे सेटिंग्स में जाके देखेंगे आपको वहां वो बटन ऑन मिलेगा। दैट मीन्स गूगल मैप्स आपकी लोकेशन को एक्सेस कर रहा है। अगर आप वहां पे जाके पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि वहां लिखा है कि गूगल मैप कैन रन इन बैकग्राउंड और कैन एक्सेस योर लोकेशन व्हाइल नॉट इन यूज। तो ये एक तरीका है जब हम अननोइंगली परमिशन दे देते हैं जीमेल कॉन्फिगर करते समय। इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी डिवाइस कौन सी है, आपका डेस्कटॉप हो सकता है, आपका लैपटॉप हो सकता है, आप आईपैड यूज कर रहे हैं या आप कोई मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, वो आईफोन है या कोई एंड्रॉयड का किसी भी मेक का फोन है। अगर आप जीमेल यूज कर रहे हैं तो ये पक्का है कि वो आपके बारे में बहुत कुछ जानता है और वो आपकी एक्टिविटीज देख रहा है, या आप अगर कहें कि आपके ऊपर स्पाई कर रहा है तो गलत नहीं होगा। अब गूगल दो तरह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, एक तरीका है एक्टिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग और दूसरा है पैसिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग। एक्टिव में क्या होगा, अगर हमने अपना जीमेल कॉन्फ़िगर किया, मेरा नाम, अगर मैंने अपना फोन नंबर भी वहां दिया है, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, ये सब एक्टिव इंफॉर्मेशन कलेक्शन में आ जाएगा। पैसिव इंफॉर्मेशन कलेक्शन में, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया था कि अगर एंड्रॉयड फोन है और जीमेल जब हमने कॉन्फ़िगर किया तो जो उसमें प्री इंस्टॉल्ड एप्स गूगल के आए हैं, जो एडवर्टीजमेंट एप्स होती हैं, उनको भी परमिशन मिल जाती है, पैसिवली वो इंफॉर्मेशन गैदर करता रहेगा। उसमें गूगल पे की डिटेल्स भी हो सकती हैं, और अगर आप वहां डिटेल में जाके पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि गूगल क्लियरली ये कहता है कि आप गूगल पे यूज कर रहे हैं और वो ये आप इंफॉर्मेशन आपकी थर्ड पार्टी को शेयर भी करता है। हम कहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं ये मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगी। अब अगर हम यूज कर रहे हैं स्मार्ट टीवी या कोई और डिजिटल डिवाइस, जहां पर भी इंटरनेट चल रहा है, या इवन हमारा प्रिंटर, तो जो भी हमारी एक्टिविटीज हैं वो सब गूगल जानता है, स्टोर करता है और उस डेटा को यूज करता है। अब अगर हम कहें कि जैसे हमने कहा एक्टिव इंफॉर्मेशन और पैसिव इंफॉर्मेशन, तो पैसिव इंफॉर्मेशन में तो हमने जान लिया कि बैकग्राउंड में वो कुछ भी कलेक्ट करेगा, लेकिन एक्टिव में भी हम बहुत सारी चीजें शेयर कर देते हैं। उसमें हमारा सर्च हिस्ट्री हो सकती है, ब्राउजिंग हिस्ट्री हो सकती है, हमारे डिवाइस की आईडी होती है। अगर आपने गूगल खोला और आपने कोई भी कीवर्ड टाइप किया, फॉर एग्जाम्पल आप अपने नियर बाय या आप किसी सिटी में नए हैं और आप कोई मार्केट सर्च कर रहे हैं, या आप कोई पर्टिकुलर प्लेस सर्च कर रहे हैं, या आप वहां की कोई फेमस चीज या हिस्टोरिकल प्लेस सर्च कर रहे हैं, जो भी कीवर्ड आप डालेंगे वो इंफॉर्मेशन भी गूगल स्टोर करता है, उसको रीड करता है। आपके आईपी एड्रेस वो स्टोर करता है, कुछ कुकीज का डेटा लेता है, आपके डिवाइस की इंफॉर्मेशन लेता है कि आपका कौन सा डिवाइस है, डेस्कटॉप है कि लैपटॉप है,
कि फोन है या उसका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है या मैक है, अगर आप गूगल ड्राइव यूज कर रहे हैं उस केस में आपने जो भी डेटा गूगल ड्राइव पे स्टोर करके रखा है गूगल उसको भी पढ़ता है। आप अगर व्हाट्सएप का डेटा भी बैकअप लेते हैं गूगल ड्राइव पे तो गूगल उसको भी पढ़ सकता है, और व्हाट्सएप का डेटा इनक्रिप्टेड नहीं है अगर आपने उसका बैकअप लिया है। ये आप व्हाट्सएप के टर्म्स एंड कंडीशन में जाके पढ़ सकते हैं, वहां पे क्लियरली लिखा है उन्होंने। अब जीमेल में आप कोई भी ईमेल सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं या आपने ड्राफ्ट करके छोड़ा है, गूगल वो सब पढ़ता है। आपके यूट्यूब की हिस्ट्री, आपने जो भी वीडियो सर्च किए, जो देखे, या किसी एडवर्टीजमेंट के ऊपर आपने क्लिक किया, वो सब गूगल पढ़ता है। आपने जिन जिन प्लेसेस को विजिट किया ये इन्फॉर्मेशन गूगल के पास है। आप कौन सी वेबसाइट्स देख रहे हैं ये इन्फॉर्मेशन है, और वेबसाइट्स में भी कौन सी कैटेगरी या क्या टाइप या आपका इंटरेस्ट क्या है वो गूगल देखता है। आपका लोकेशन, ओवरऑल अगर हम एक लाइन में हमें कहना है तो जो भी एक्टिविटी हम इंटरनेट पे कर रहे हैं और अगर जीमेल हमारा कॉन्फिगर्ड है गूगल वो सब कुछ स्टोर कर रहा है अपने पास में। अब हम इसके से बचने के लिए क्या कर सकते हैं? बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमने इनकॉग्निटो मोड में ब्राउज किया इसलिए हमारी इंफॉर्मेशन सेफ है। ऐसा नहीं है। इनकॉग्निटो मोड मींस एक प्राइवेट विंडो का ऑप्शन आता है ब्राउजर में, या इनकॉग्निटो मोड आता है, जैसे गूगल में, गूगल क्रोम में डिफरेंट आएगा और गूगल ये आपका मोजिला में डिफरेंट आता है। एक में इनकॉग्निटो मोड है, दूसरे में प्राइवेट विंडो। जब आप उसको ओपन करेंगे और वहां से ब्राउज करेंगे तब भी वो कहता है कि हम स्टोर नहीं कर रहे हैं, पर अगर आप केयरफुली उसके टर्म्स एंड कंडीशन देखेंगे तो उन्होंने क्लियरली लिखा है, और एक तरह से ये मिथ ही है कि वो इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं करते। इन रियलिटी दे नो एवरीथिंग, दे कलेक्ट एवरीथिंग वी डू ऑन इंटरनेट। अब वो चाहे हमारे यूजर आईडी हो या हमारे डिवाइस का आईडी हो या हमारा कुछ भी, जो भी कुछ हमने डेटा एक्सेस किया वो है, कोई भी चीज है वो सब गूगल पढ़ ही रहा है। अब ये सब तो हमने थियोरेटिकली जान लिया, अब हम प्रैक्टिकली लाइव जाकर ये देखेंगे। जीमेल ओपन करके मैं आपको दिखाती हूँ कि हम क्या कैसे देख सकते हैं कि गूगल ने हमारे बारे में क्या क्या स्टोर किया है और क्या क्या परमिशन हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, क्या हम गूगल को रीड करने की परमिशन देते हैं और क्या हम ऑफ कर सकते हैं। अब हम लाइव देखते हैं कि गूगल हमारे बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। जब हम अपना जीमेल खोलते हैं यहाँ राइट साइड में सेटिंग्स ऑप्शन आया, और सेटिंग्स से हम सी ऑल सेटिंग्स पर जाएंगे। अब हमें यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में जाना है, अकाउंट्स एंड इनपुट। यहाँ पे ये हमें पासवर्ड के ऑप्शन दे रहा है, पासवर्ड रिकवरी का ऑप्शन है, मेल में मेरा ईमेल आईडी क्या है, ये सब एक्टिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग का पार्ट है। लेकिन अगर हम अदर गूगल अकाउंट सेटिंग पे क्लिक करते हैं तब ये बता रहा है कि कितनी स्टोरेज मैं यूज कर रही हूँ, प्राइवेसी पर्सनलाइजेशन के लिए, मैनेज माई डेटा एंड प्राइवेसी, तो योर अकाउंट इज प्रोटेक्टेड, जैसे कि अगर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन है या नहीं है। लेकिन अगर हम ये थर्ड ऑप्शन देखते हैं डेटा एंड प्राइवेसी जाकर, अब आप ये देखिए ये बताएगा थिंग्स यू हैव डन एंड प्लेसेस यू हैव बीन। अब वेब एंड एप्लीकेशन एक्टिविटी मैंने पॉज की हुई है, आप अपनी सेटिंग्स में देख सकते हैं आपने इसको पॉज किया हुआ है कि ऑन किया हुआ है। अगर ऑन है उस केस में आप जो भी कुछ गूगल पे ब्राउज करेंगे वो सारी एक्टिविटी स्टोर होगी। लोकेशन हिस्ट्री भी मैंने अपनी पॉज की हुई है, यूट्यूब हिस्ट्री पॉज की हुई है, हम इसे क्लिक करने पे यहां से ऑन कर सकते हैं। अगर हम ऑन करेंगे, ये टर्न ऑन करने से ऑन हो जाती है, ये देखिए अगर मैंने इसको टर्न ऑन किया, आप ये देखिए कि ये क्या क्या कलेक्ट करेगा। इंक्लूड द यूट्यूब वीडियोज यू वॉच, इंक्लूड योर सर्चेज ऑन यूट्यूब, इंक्लूड यूट्यूब वॉइस एंड ऑडियो एक्टिविटी, दैट मीन्स वो आपका वॉइस आपकी ऑडियो एक्टिविटी वो भी स्टोर कर रहा है। इसमें वो आपको ऑप्शन देता है कि आप चूज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो हमने इसको यहां से सेलेक्ट करके पॉज किया और इसको भी हमने
ऑफ किया। ऐसे हम और भी ऑप्शंस देख सकते हैं, हमें ये सारी चीजें अपनी ऑफ ही रखनी चाहिए। ये हमारी वेब एंड ऐप एक्टिविटी हुई। नीचे आते हैं, लोकेशन हिस्ट्री है, उसको हम मैनेज कर सकते हैं। अगर आपकी ऑन है आप उसे बेटर है ऑफ कर दीजिए। गूगल मैप को आप तभी एक्सेस कीजिए, तभी उसको परमिशन दीजिए जब आप उसे एक्सेस कर रहे हैं। अब जैसे डिलीटिंग एक्टिविटी ओल्डर देन 3 मंथ्स, क्या क्या है? अगर आप, ये तो ऑटो डिलीट मैंने लगा हुआ है, अगर आपका डू नॉट ऑटो डिलीट है, दैट मींस जब से आप गूगल एक्सेस कर रहे हैं या जीमेल एक्सेस कर रहे हैं तब से वो आपकी एक्टिविटी स्टोर कर रहा होगा। अब मेरे पास में 3 मंथ से कम का ऑप्शन ही नहीं है, सो वो 3 मंथ्स होते ही उसको ऑटोमेटिकली डिलीट कर देगा। इसके बारे में आप और कुछ पढ़ना चाहें, जैसे कि लोकेशन हिस्ट्री है क्या, क्या ठीक है क्या नहीं है, किस किस के साथ गूगल इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा है, हु एल्स कैन स्टोर माई डेटा, वो बता रहा है यू कैन डिलीट योर पास्ट एक्टिविटी इन मल्टीपल वेज एट माई एक्टिविटी डॉट गूगल डॉट कॉम। अब जैसे ही हम यहाँ क्लिक करेंगे आप ये देखेंगे कि हम ये इसने हमें डिलीट का ये ऑप्शन दे दिया, क्योंकि उसे मैंने ऑफ किया हुआ है, उसको कोई एक्टिविटी नहीं मिली। अगर आपने ऑफ नहीं किया होगा तो आप यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज देख पाएंगे। इसी तरह से अगर हम बात करें एक्टिविटी कंट्रोल्स, मैंने हिस्ट्री आया और ये हमारा एडवर्टीजमेंट के पर्सनलाइजेशन का है। मैंने एड पर्सनलाइजेशन भी अपना ऑफ करके रखा है। अगर आप ध्यान करेंगे आपको याद आएगा कि कई बार पॉपअप आता है कि क्या गूगल आपकी सर्चेज या आपकी हैबिट्स के बेस पे आपको कुछ रिकमेंड कर सकता है, तो हम सोचते हैं कि हाँ इट इज गुड, हम जो कुछ सर्च कर रहे हैं अकॉर्डिंगली गूगल हमें सर्च कर दे, सर्च करके इंफॉर्मेशन बता दे, तो हम उसको ऑन कर देते हैं। जैसे ही हम उसे ऑन कर देते हैं अकॉर्डिंगली गूगल और भी इंफॉर्मेशन हमारी स्टोर करता है, और हमारे पास में जो एडवर्टीजमेंट डिस्प्ले होते हैं गूगल पर या जीमेल पर राइट साइड में, अगर आप देखेंगे तो स्पॉन्सर्ड एड आते हैं, वो हमारे फिर सर्च के हिस्ट्री के बेस पर होते हैं। अगर ये ऑफ है तो कोई भी एडवर्टीजमेंट आएगा, अगर मैं इसको ऑन कर दूंगी उस केस में मेरी हैबिट्स के बेस पर वो मुझे एड दिखाएगा। अब इफ आई वी गो टू एड सेटिंग्स, ये देखिए मैंने यहाँ पर एड पर्सनलाइजेशन अपना ऑफ किया हुआ है। बेटर है आप, अगर आपका ये ऑन है आप इसे ऑफ ही रखें। अब इसमें हम फिर फर्दर अगर हम जाएं एक्टिविटी कंट्रोल पर जाते हैं, यहाँ पे ये मुझे अभी और ऑप्शंस नहीं दिखा रहा है। यू कैन फाइंड मोर प्रिवेसी एंड सिक्योरिटी सेटिंग्स इन योर गूगल अकाउंट, आई गो टू माय गूगल अकाउंट। अब हम आते हैं सिक्योरिटी पर। सिक्योरिटी में ये बता रहा है यहाँ पे टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन है या नहीं है, क्या हम पासवर्ड स्टोर करने के लिए कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं? नहीं, अगर हम कर रहे होते वो यहाँ लिखा रहता और इट इज अंडरस्टूड कि गूगल उस चीज को जानता है। अब यहाँ पे आप देखिए ये बता रहा है कि इस विंडोज कंप्यूटर के ऊपर आपके 2 सेशंस थे, आपने आईफोन पे इसको एक्सेस किया है जीमेल को, आपने आईपैड के ऊपर एक्सेस किया है, ये सारे ऑप्शंस ये मुझे यहाँ पे बता रहा है। सेफ ब्राउजिंग ऑन है मेरे सिस्टम पे, एनहेंस सेफ ब्राउजिंग मीनिंग कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनसे रिलेटेड अगर मुझे सर्च नहीं चाहिए अपने आप पे तो मैंने उसको ऑफ करके रखा है। अगर मेरा यहाँ पे कुछ और अकाउंट लिंक होते, लिंक मीनिंग हम कई बार चूज करते हैं कि मेरे सेम ही यूजर आईडी पासवर्ड से मैं किसी दूसरे ऐप में भी लॉग इन कर पाऊँ, तो मैंने यहाँ पे कुछ लिंक नहीं करके रखा। आप इसको चेक कर सकते हैं कि क्या कहीं आप इसको यूज कर रहे हैं। वो एडवाइजेबल ये रहेगा कि हम सेपरेटली हर एक एप्लीकेशन पे जाके रजिस्टर करें, बेशक आप अपना एक कॉमन जीमेल आईडी यूज करें, लेकिन आप हर एक एप्लीकेशन पे फॉर एग्जाम्पल लिंक्डइन है या ट्विटर है रजिस्टर करें और सेपरेट यूजर आईडी बनाएं। ईमेल में आपका कॉमन हो सकता है लेकिन आप सेम ही यूजर आईडी पासवर्ड यानी कि जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स जीमेल के हैं वो सेम ना यूज करें, उनको लिंक नहीं करें आपस में। अब पीपल एंड शेयरिंग पे हम जाते हैं लेफ्ट साइड से। आप ये देखिए यहाँ पे ये बता रहा है कि कॉन्टेक्ट्स में 48+ अदर कॉन्टेक्ट्स हैं, कॉन्टेक्ट्स तो बहुत ज्यादा हैं पर जो मैंने एड्रेस बुक अपनी बनाई हुई है, कॉन्टेक्ट्स इंफॉर्मेशन सेव फॉर फ्रॉम इंटरेक्शंस।
अगर किसी का ईमेल मेरे पास आता है तो वो इंफॉर्मेशन यहाँ सेव हो जाती है कॉन्टेक्ट्स के अंदर। और ये सब ऐसा नहीं है कि वो मेरे से ऑन ऑफ करा रहा है, जो भी कुछ ऑन है दैट मीन्स गूगल उसको स्टोर करता है, और स्टोर करके वो इनको थर्ड पार्टी यूजर्स को, थर्ड पार्टी कंपनीज को बेच देता है मार्केटिंग के लिए। इस डेटा को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके बहुत अच्छे से एनालाइज किया जाता है, और एज ग्रुप, जेंडर, लोकेशन, हैबिट्स, इनकम ग्रुप, बड़े सारे कैटेगरीज में वो एनालाइज करते हैं, और अकॉर्डिंगली बहुत सारी कंपनीज को बेचकर, डेटा बेचकर गूगल अर्न करता है। कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम माई डिवाइसेस, यहाँ पर भी मैंने इसको ऑफ करके रखा है। लोकेशन शेयरिंग, यू आर नॉट शेयरिंग योर रियल टाइम लोकेशन विद एनीवन ऑन गूगल, यहाँ से हम मैनेज कर सकते हैं। दूसरे मेरे बारे में क्या देख सकते हैं, यहाँ क्लिक करेंगे यहाँ से कर सकते हैं हम। इस तरह से ये कई सारे ऑप्शंस हैं जो ट्राई कर सकते हैं आप। मैंने आपको बता दिया कि कैसे इसको एक्सेस करना है। अभी लेफ्ट साइड में एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, पेमेंट्स एंड सब्सक्रिप्शंस। पेमेंट्स पे अगर हम जाते हैं, अब आप ये देखिए ये यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है, ठीक। लेकिन अगर मैंने पेमेंट मेथड्स पे क्लिक किया, जो कि गूगल पे है, एज आई क्लिक हियर, वो पेमेंट मेथड्स। लेकिन अगर आप गूगल पे यूज कर रहे हैं, उस केस में ये आपको दिखाएगा कि आपकी गूगल पे की आईडी क्या है, एक न्यूमेरिक नंबर दिखाएगा, और यहाँ पे लिखा भी होगा कि वो किसके साथ, किस कंपनीज के साथ आपका गूगल पे शेयर करता है। तो गूगल क्या करता है कि जो हमारा गूगल पे है वो हमारा, जो ये मेरा, ये देखिए ये सेटिंग्स पे जाके जब मैंने देखा, तो मैंने एक बार क्रिएट किया था, मैं गूगल पे यूज नहीं करती हूँ, इससे मेरा एक प्रोफाइल आईडी बना लिया पेमेंट का। अब इस प्रोफाइल आईडी को वो शेयर करता है दूसरे लोगों के साथ। क्या शेयर करता है कि ये यूजर गूगल पे यूज कर रहा है। तो अगर कोई कंपनी गूगल पे यूजर्स को कुछ ऑफ दे रही है, डिस्काउंट दे रही है, उस केस में वो इस डेटा को यूज कर सकते हैं। आप यहां पे जाके अपना गूगल पे चेक कर सकते हैं। अगर हमें सिंपल, अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से जाते हैं, हम माई एक्टिविटी देख रहे थे, और माई एक्टिविटी कंट्रोल से अगर हम बैक कर लेते हैं, और इस ऑप्शन से हर एक पे आप जाके देखेंगे तो आपको बहुत सारे फीचर्स वो दिखाएगा। मैं अभी वो सारे ऑप्शंस नहीं जा रही हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन एक और बात यहाँ पर है कि अगर हम अप्रोप्रिएट परमिशंस भी सेट करते हैं, उसके बावजूद गूगल बहुत कुछ है जो रीड करता ही है। इतना घुमा फिरा के उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन लिखे हैं कि नॉर्मली हम बच नहीं सकते कि गूगल हमारे बारे में नहीं जान पाए।